नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं लाइव सिंप्लीफाइड हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य के बारे में और आज मैं आपको बताऊंगा कि स्पिरिचुअलिटी में ब्रह्मचर्य का क्या रोल है और अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहते हैं तो क्या आपका ब्रह्मचारी होना ज़रूरी है। इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर वो एक स्पिरिचुअल रास्ते पे चलना चाहते हैं और अगर वो आध्यात्म के रास्ते पे अग्रसर होना चाहते हैं तो क्या उन्हें ब्रह्मचारी होना ज़रूरी है, क्या बिना ब्रह्मचर्य के वो इस रास्ते पे चल सकते हैं या नहीं। हमें पहले समझना पड़ेगा कि ब्रह्मचर्य आखिर है क्या, क्यों हमारे कल्चर में, हमारे हिंदू शास्त्रों में इसके बारे में इसका वर्णन है और क्यों ऋषि मुनि जो है वो ब्रह्मचारी हुआ करते थे एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का अर्थ ये है कि हम अपनी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसे कंजर्व करते हैं, उसे हम बचा के रखते हैं। और दोस्तों, ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर दोनों ही अपने सेक्सुअल एनर्जी को बचा के रखें और उस एनर्जी को अपने स्पिरिचुअल जर्नी में चैनलाइज कर पाएँ तो उनका जो प्रोग्रेस है स्पिरिचुअल पाथ पे या उनकी जो मेंटल एनर्जी है और किसी भी क्रिएटिव काम में जो उनकी एनर्जी है वो बढ़ सकती है। और यही कारण है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो ब्रह्मचारी हुआ करते थे और इसी के वजह से उनकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस थी वो बहुत ही ज़्यादा होती थी और वो इनलाइटेंड बींग्स हुआ करते थे। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि अगर आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को 12 साल तक कंजर्व करके रख सकें तो आप में इतनी एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी कि आप उस एनर्जी से कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को पा सकते हैं। तो इतनी ताकत होती है हमारे सेक्सुअल एनर्जी में। और जहां तक सवाल है कि अगर हम एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसमें हम मैरिड हैं और हम एक गृहस्थ जीवन में हैं तो आखिर कैसे हम उस सेक्सुअल एनर्जी को कंजर्व कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप एक गृहस्थ व्यक्ति हैं और अगर आप मैरिड हैं तब भी आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को जितना चाहे कंजर्व करके रख सकते हैं और इसमें आप दोनों पति पत्नी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप दोनों इस काम को प्रॉपरली सही तरीके से कर पाएंगे और आप इस ब्रह्मचर्य के जो स्थिति है आप इसे मेंटेन कर पाएंगे कुछ समय तक। हालांकि अगर आप एक गृहस्थ जीवन में हैं तो एक लंबे समय तक आपको इस एनर्जी को कंजर्व करना हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन हो सकता है कि आप 6 महीने साल भर तक इस एनर्जी को कंजर्व कर पाएँ। आप जितना ही ज़्यादा इस एनर्जी को कंजर्व करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अगर आप किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं तो क्या इससे आप स्पिरिचुअल पाथ में पीछे चले जाते हैं, क्या ऐसा है? और ब्रह्मचारी पूरी तरीके से होने के लिए क्या आपको अपने जो सारे डिज़ायर्स हैं, जो वासनाज हैं, उन्हें ख़त्म कर देना पड़ेगा या आपको फोर्सफुली ये करना पड़ेगा? तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि अगर आप एक ब्रह्मचारी बनते हैं तो ये इसलिए नहीं बनते कि आप फोर्सफुली अपने सारे डिज़ायर्स को ख़त्म कर देते हैं। आप एक ब्रह्मचारी तब बनते हैं जब आपकी सारी काम वासनाएं ख़त्म हो जाती हैं अपने आप, या तो आप उन सारी चीज़ों के ऊपर आ जाते हैं या तो आप उन सारी वासनाओं को डिसॉल्व कर देते हैं और आपके मन में ऐसी कोई इच्छा बचती ही नहीं, और तब आपकी ब्रह्मचर्य की शुरुआत होती है जो आपकी असली ब्रह्मचर्य है। आपके मन में फिर वैसी कोई वासना आएगी नहीं क्योंकि वो वासना ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी है। दोस्तों, एक ब्रह्मचारी बनने में आपको समय लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक आप एक ब्रह्मचारी बने नहीं हैं तब तक आप स्पिरिचुअल पाथ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने वीर को कंजर्व कर सकते हैं जितना लंबा आप कर पाएँ, और अगर आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए इस फ्लूइड को रज कहते हैं और आप उस
फ्लूइड को जितना कंजर्व कर सकते हैं करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स भी हो सकती हैं। आपकी जो एजिंग है वो स्लो हो जाती है, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रहते हैं। अगर आप चाहें तो कम समय में आप अपने नींद को पूरा कर सकते हैं अगर आप अपने सेक्सुअल एनर्जी को कंजर्व करते हैं। मेरी तरफ से यही आपके लिए सजेशन होगा कि आप इस एनर्जी को जितना कंजर्व कर सकें करें, आप इस एनर्जी को बस ऐसे ही वेस्ट ना करें। इस एनर्जी की जो वेस्ट होने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको जितना आप कम करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और तभी आप देखेंगे कि आप इस वासना को धीरे 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 क्लेंस कर पाएंगे, अपने स्पिरिचुअल पाथ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। और एक समय ऐसा ज़रूर आएगा, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो आप एक, हो सकता है कि आप एक ब्रह्मचारी बन जाएंगे। आपको ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन लोग जब आपसे मिलेंगे, आपको देखेंगे, तो उन्हें समझ में आएगा कि इस व्यक्ति में कुछ तो अलग है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।